एक बार एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन के बाहर ना एक पार्क था, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। अब बिजनेसमैन को बिल्कुल पसंद नहीं था ये बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने क्यों आया थे, बिल्कुल पसंद नहीं था उसको। लेकिन ऐसे डायरेक्टली कैसे बोले पार्क खोल के छोड़ के चले जाओ तुम लोग। तो इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, कॉन्स्पिरेसी। इसने क्या किया, मैच को देखना शुरू कर दिया। जब भी चौका लगे ये आउट हो जाओ, ये सब करना शुरू कर दिया। बच्चे कह देखे यार हमें आज तक अभी ऑडियंस मिली नहीं, इतनी बड़ी ऑडियंस मिल गई हमको। तो इसने कहा कि ना तुम लोग इतने अच्छे से क्रिकेट खेलते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है कि तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, आज से मैंने तय किया तुम सबको मैं 50-50 रुपए दिया करूँगा हर एक को। भाई ये तुमने दिल जीत लिया यार, इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, ऐसे पिच विच तैयार किए तुम लोगों ने, वाह बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, इसने 2-3 दिन बाद 40 रुपए देने शुरू कर दिए। कहता है मेरा बिजनेस थोड़ा लॉस चल रहा है आजकल, तो 40 रुपए दूंगा आप लोगों को। फिर 25 रुपए दे दिए, फिर 10 रुपए कर दिए, फिर 5 रुपए कर दिए। कहता है बिजनेस मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है ना आजकल, ये लो 5-5 रुपए ले लो आप लोग, 5-5। अब जैसे जैसे पैसे कम हो रहे थे ना, बच्चों को खराब लग रहा था, पैसे कम कर रहे थे यार। फाइनली उसने कहा देखो बिजनेस मेरा एकदम अब मैं बैंकरप्सी के एकदम उस पे लेवल पे आ चुका हूँ, तो ना अब ये 2-2 रुपए तुम लोग पकड़ लो, लेकिन तुम लोग यहाँ खेलते रहो प्लीज, ठीक है ना, ये 2-2 रुपए ले लो तुम लोग। कहता अबे भिखारी समझ कर खाए अबे, ए विकेट निकाल यहाँ से चलो। ये लोग पार्क छोड़ कर ही चले गए। अच्छा ये लोग किस लिए आए थे, क्रिकेट खेलने आए थे, पैसा कमाने आए थे ये लोग? ये तो क्रिकेट खेलने आए थे, तो पैसा कमाने आए नहीं थे तो। लेकिन बिजनेस मैन ने क्या किया, एक ट्रिक खेली लोगों के साथ, पैसा भी जोड़ दिया साथ में। तो बीच में क्या चल रहा था, क्रिकेट भी चल रहा था, पैसा भी चल रहा था, क्रिकेट भी चल रहा था, पैसा भी चल रहा था, लेकिन थोड़ा ना। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ, क्रिकेट खेलते खेलते और पैसा कमाते कमाते मन क्रिकेट खेलने से हट गया और पैसे कमाने पे आ गया। और धीरे धीरे पैसा जब कम होना शुरू हुआ तो हिलना शुरू हो गया व्यक्ति, और फिर ये सारे सामने कहा अरे विकेट निकालो चले हम यहाँ से। लेकिन ये तो क्रिकेट खेलने आए थे, तो पैसा कमाने आए नहीं थे, और शुरू शुरू में तो इनको कुछ नहीं मिल रहा था, जीरो। ये तो 50 रुपए आने शुरू हुए, फिर 40 हुए, 25 हुए, 10-5। छोड़ दिया जी, क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया वहां पर। इस तरह से भक्त जो है जब नया नया आता है तो भक्ति करने के लिए आया, भक्ति करने के लिए आया। अच्छा तो वो तो कोई सर्टिफिकेट इकट्ठे करने, पावर पोस्ट पोजीशन मठाधीश बनने के लिए नहीं आया, कोई तारीफें इकट्ठी करने नहीं आया वो, इसने आया था क्या? नहीं, कहता नहीं, शुरू शुरू में क्या इच्छा थी आपकी? कहता ये हम भक्ति करेंगे, हम भी हरी बोल करेंगे, ए हरी बोल, चलो प्रसाद पाए, ये इसलिए आए थे ना, हाँ इसलिए तो आए थे। बीच में ना कुछ और भी होना शुरू होता है, बहुत ही स्पेशल है ये, आज से इनको हम ये बनाते हैं, आज से इनको वो बनाते हैं, जब से ये आए हैं बस क्रांति सी आ गई है। अरे अच्छा, तो उन प्रशंसाओं में, उस यश में, उस प्रसिद्धि में अब मन उसमें शिफ्ट हो गया। पहले मन भक्ति में ही था, और भक्ति करने के लिए तो आया था, इस कौन मन किसने आते, भक्तों को समाज में क्यों आता, भक्ति करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मन जो है किसी और चीज में आ गया, क्योंकि दोनों साथ से चल रहे थे, अब साथ से चल रहे थे। और जैसे ये चीज कम होनी शुरू हुई, गुड फील थोड़ी कम होनी शुरू हुई, ये होते होते व्यक्ति जो है भक्ति छोड़ देगा, जा रहे हैं हम, देख लिया हमने स्यापे हैं यहां पर भी, चला माए आदि चलो गया। घुमा दिया इसको मैंने, माया ऐसे घुमाती है। तो जो भक्त है उसकी परीक्षा माया लेगी, ऐसा कभी नहीं सोचा कि अब तो हम भक्त बन गए, अब माया क्या। ये भी माया है।